kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, हमने last lecture में unit number 4 start किया था. What is unit number 4? Adventure, right? A-D-V-E-N-T-U-R-E, adventure, right? So उसमें हमने activity 1 and activity 2 already complete कर लिए, right? Activity 1 क्या थी? आपको 4 personalities की pictures दी थी, right? एक बेचंद्री पाल, प्रतिभा पाटिल, सानिया नेहवाल and सुनीता विलियम. And मैंने आपको बताया था कि मैं आपको next lecture में वो उसके जो description है बेचंद्री पाल के बारे में, प्रतिभा पाटिल के बारे में, सानिया नेहवाल के बारे में हम फ्यू लाइंस लिखने थे, राइट? सो वो फ्यू लाइंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लिखाऊंगी. मैंने बोला था ना आपको, डू रिमेम्बर दैट? आपको याद है? ओके, गुड. सो आपने लास्ट लेक्चर में मीनिंग्स लिखे थे, राइट? आफ्टर मीनिंग्स आपको क्या लिखना है? हार्ड वर्ड्स. सो हार्ड वर्ड्स, चलो नंबर 1, हार्ड वर्ड्स आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, ओके? नंबर 1, A D V E N T U R E, adventure. नंबर 2, C H I L D H double O D, childhood. नंबर 3, A C T I V E, active. नंबर 4, M O U N T A I N double E R, mountaineer. Number 5, E X P E R I E N C, experience. 6, C L A double S M A T E S, classmates. 7, C L I M B E D, climbed. 8, H E I G H T, height. 9, S P E N D, spend. 10th, S-H-E-L-T-E-R, shelter. 11th, I-N-C-R-E-A-S-E-D, increased. I-N-C-R-E-A-S-E-D, increased. Number 12, C-O-N-T-I-N-U-E-D, continued. C-O-N-T-I-N-U-E-D, continued. Number 13, PRINCIPAL, principal. PRINCIPAL, principal. Number 14, GRADUATE, graduate. GRADUATE, graduate. 15, RIFLE, rifle. RIFLE, rifle. 16, PROFESSIONL, professional. PROFESSIONL, professional. Number 17, CONVINCED, convinced. CONVINCED, convinced. Number 18, INSTRUCTORS, instructor. INSTRUCTORS, instructor. Number 19, REALIZED, realized. REALIZED, realized. EXTR, extra. ORDINARY, ordinary, extraordinary. EXTR, extra. ORDINARY, ordinary, extraordinary. Number 21, OPPORTUNITY, opportunity. OPPORTUNITY, opportunity. Okay, मैं आपको फिर से first से read करके देती हूँ. Number 1, adventure. Number 2, childhood. Number 3, active. Number 4, mountaineer. Number 5, experience. Number 6, classmates. Number 7, climbed. Number 8, height.
नंबर 9 स्पेंड, नंबर 10 शेल्टर, नंबर 11 इंक्रीज्ड, नंबर 12 कंटिन्यूड, नंबर 13 प्रिंसिपल, नंबर 14 ग्रेजुएट, नंबर 15 राइफल, नंबर 16 प्रोफेशनल, नंबर 17 कन्विंस्ड, नंबर 18 इंस्ट्रक्टर्स, नंबर 19 रियलाइज्ड, नंबर 20 एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नंबर 21 अपॉर्चुनिटी. ओके सो ये जो आपने अभी मैंने आपको जो हार्ड वर्ड्स करवाए ना, ये हार्ड वर्ड्स आपको नोटबुक में लिखने हैं और उसके साथ ही आपको ये हार्ड वर्ड्स रीड करते करते वीडियो बनाना है और वीडियो बनाकर मुझे भेजना है. ओके फिर मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको 2-2 पॉइंट्स लिखाऊँ, थोड़े बहुत पॉइंट्स लिखाऊँगी वो फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में. सो फर्स्ट वन वॉज बिचंद्री पाल. सो बिचंद्री पाल वॉज बॉर्न इन 1957. बिचंद्री पाल का बर्थ कब हुआ था? 1957 का इन विलेज कॉल नाकुरा. कौन से विलेज में हुआ था? नाकुरा में, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल इन उत्तरांचल. उत्तरांचल में उनका बर्थ हुआ था. शी इज एन इंडियन माउंटेनियर. वो एक इंडियन माउंटेनियर है हु इन 1984 बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट. 1984 में वो इंडिया के फर्स्ट वुमेन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में समिट, मतलब उनका जो टॉप, एकदम टॉप तक पहुंचे थे, वो पहले इंडियन थे बिचंद्री पाल जो वो टॉप तक गए थे. एक बार रीड कर देती हूँ, पे अटेंशन ईयर. बिचंद्री पाल वॉज बॉर्न इन 1954 इन अ विलेज कॉल नाकुरा इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल इन उत्तरांचल. शी इज एन इंडियन माउंटेनियर who in 1984 became the first Indian woman to reach the summit of Mount Everest. Then come number 2. Pratibha Patil. Pratibha Patil is an Indian politician. Pratibha Patil kaun hai? Indian politician who served as the 12th president of India from 2007 to 2012. प्रतिभा पाटिल फर्स्ट इंडियन पॉलिटिशियन थे, पहले इंडिया की पॉलिटिशियन थे जिन्होंने 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे 2017 टू 2012 तक. शी वॉज द ओनली वुमेन टू हैव हेल्ड द ऑफिस. यस, वो एक ही वुमेन थे पूरा ऑफिस को संभालने वाले. मैं आपको एक बार रीड करके देती हूँ. Pratibha Patil is an Indian politician who served as the 12th president of India from 2007 to 2012. She was the only woman to have held the office. Then comes Sania Nehwal. Sania Nehwal is an Indian professional badminton single player. Singles player. सानिया नेहवाल इंडियन पर्सनालिटी है, बैडमिंटन प्लेयर है, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है. सो सानिया नेहवाल इज एन इंडियन प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर, सिंगल प्लेयर. शी वॉज द फर्स्ट एवर बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू क्लेंच एन ओलंपिक मेडल. यस, वो इंडिया के फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर थे जिन्होंने ओलंपिक का मेडल जीता था. ये पॉइंट्स आपको याद रखना है बच्चों, ये मैं ऐसे ही नहीं करवा रही हूँ, ये आपको याद रखने हैं. सानिया नेहवाल कौन थे? वो इंडियन बैडमिंटन सिंगल प्लेयर थे, प्लस वो फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर थे जिनको ओलंपिक में मेडल मिला था फॉर बैडमिंटन, नॉट फॉर अदर गेम्स बट फॉर बैडमिंटन. I am reading, just pay attention. Sania Nehwal is an Indian professional badminton single player.
She was the first ever badminton player from India to clinch an Olympic medal. Okay? Okay. Now move to fourth one. Sunita Williams. Sunita Williams is an American astronaut and United States Navy officer who formerly had the record for most spacewalks by a woman. Yes. Sunita Williams वो American astronaut थे जो mostly sky को लेकर study करते okay? And United States Navy officer और वो Navy officer भी थे उनके state के who formerly had the record. उन्होंने अभी फॉर्मली मतलब अभी रिसेंटली उन्होंने रिकॉर्ड बनाया स्पेस में वॉक करने का वो भी एक वुमेन ने. शी वॉज बॉर्न ऑन सेप्टेम्बर 1964. यस उनका बर्थ सेप्टेम्बर 1965 को हुआ था. ओके अगेन आई एम रीडिंग इट. Sunita Williams is an American astronaut and United States Navy officer who formerly had the record for most spacewalks by a woman. She had born on September 1964. Done? Okay. Now आपको textbook में activity number 3 वो question answers है. अभी वहाँ textbook में लिखना तो possible नहीं है. So हम कहाँ लिखेंगे? Yes. Notebook में लिखेंगे. चलो notebook में heading दो. Question number 3. Answer the following question. So number 1. In which event did Bhachandri Pal secure the first position? कौन से event में Bhachandri Pal ने first position held किया था? Bhachandri Pal secure the first position in the event of rifle shooting. कौन से event पे? Rifle shooting में. Okay. So Bhachandri Pal secure the first position in the event of राइफल शूटिंग. ये आपको याद रखना है. और क्वेश्चन आंसर कितना सिंपल है. देखो क्वेश्चन रीड करो. इन विच इवेंट डिड बेचंद्री पाल सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन. सो बेचंद्री पाल सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन इन द इवेंट ऑफ राइफल शूटिंग. इतना ही आपको याद रखना है. इन द इवेंट ऑफ राइफल शूटिंग. तो ये तो सिंपल ही है. आपको याद रह जाएगा इजीली. ओके देन नंबर 2. वॉट वॉज अ ड्रीम बेचंद्री हर मतलब बेचंद्री पाल हाँ बेचंद्री पाल का ड्रीम क्या था. हर ड्रीम वॉज टू बिकम अ प्रोफेशनल माउंटेनियर. उनका ड्रीम क्या था. उनको प्रोफेशनल माउंटेनियर बनना था. ओके सो हर और वो बन भी गए हाँ. उन्होंने ड्रीम देखा था. ऐसे ही उन्होंने ड्रीम नहीं देखा था. उन्होंने जो ड्रीम देखा था वो उन्होंने उनका जो ड्रीम है वो पूरा भी किया. अ ड्रीम वॉज टू बिकम अ प्रोफेशनल माउंटेनियर. उन्होंने ड्रीम देखा माउंटेनियर बनने का और वो माउंटेनियर बन भी गए. हाँ आप भी कभी ड्रीम देखते हो ना तो ऐसे ड्रीम देखो जो आप कर सकते हो. ओके देखो बेचंद्री पाल का एक सपना था. अब क्या होता है पता है बच्चों. आप ना चेंजेस करते रहते हो. आपको एक बार लगता है मुझे ये करना है फिर लगता है वो करना है फिर वो लगता है. नो आपको जो करना है आप उस पर फोकस करो. एक ही चीज़ में फोकस करो. दो तीन चीज़ में क्यों फोकस करते हो. अब जब दो तीन साथ में करते हो ना तो देखना वर्क कभी सक्सेसफुल नहीं होता. एक वर्क एक टाइम में. अभी आपको टीवी भी देखना है होमवर्क भी करना है तो पॉसिबल नहीं है. अगर आपको टीवी देखना है तो टीवी देख लो. होमवर्क करना है तो होमवर्क कर लो. दोनों एक साथ मत करो. नॉट इट. सो आपको ये याद रखना है बेचंद्री पाल का ड्रीम क्या था. प्रोफेशनल माउंटेनियर. ओके नंबर 3. व्हाट डिड बेचंद्रीज पेरेंट्स थिंक अबाउट द प्रोफेशन शी चोज. यस बेचंद्री पाल के पेरेंट्स को क्या लगता था. जो बेचंद्री पाल का ड्रीम था कि मुझे एक माउंटेनियर बनना है उसके बारे में उनके पेरेंट्स का क्या ख्याल थे. क्या उन्होंने सोचा था. सो बेचंद्री पेरेंट्स थॉट दैट माउंटेनियरिंग वॉज नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्क फॉर अ वुमेन. यस उनको लगता था माउंटेनियरिंग जो है वो बॉयज ही करते वो गर्ल्स के लिए नहीं होता. गर्ल्स ये सब नहीं करते. गर्ल्स को तो टीचर होना चाहिए. राइट नो गर्ल्स सब कुछ कर सकता.
ऐसा नहीं कि वो टीचर ही बन सकते, बहुत कुछ है जो गर्ल्स कर सकते हैं। सो माउंटेनियरिंग भी बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, वो भी गर्ल्स कर सकते हैं। पर बेचंद्री पाल के पेरेंट्स को ऐसा लग रहा था कि बेचंद्री पाल वो एक लड़की है, तो लड़की को माउंटेनियरिंग नहीं करना चाहिए, उसे टीचर बन जाना चाहिए। ओके, सो फिर से कोई आंसर रीड कर देती हूँ। बेचंद्री पेरेंट्स थॉट दैट माउंटेनियरिंग वॉज नॉट एन अप्रोप्रिएट वर्क फॉर, अप्रोप्रिएट मतलब ठीक, नॉट एन अप्रोप्रिएट मतलब नहीं, ठीक नहीं जॉब है लड़कियों के लिए, ठीक काम नहीं है ये लड़कियों के लिए। ओके, देन फोर्थ देखो, व्हाई डिड हर इंस्ट्रक्टर ट्रीट हर एज एवरेज मटीरियल। यस, उनके इंस्ट्रक्टर ने क्यों बेचंद्री पाल को ऐसे एवरेज मटीरियल ट्रीट किया? बिकॉज उनको जल्दी रियलाइज हो गया था कि बेचंद्री पाल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की है और उससे तो ये फील्ड में होना ही चाहिए, और अगर ये फील्ड में आगे जाती है तो इसमें बहुत ही वो नाम कमाएगी, मीन्स बहुत ही सक्सेसफुल जाएगी, बहुत ही सक्सेस होगी। उसीलिए बेचंद्री के जो ट्रेनर थे उनको लगा कि बेचंद्री पाल एवरेस्ट मटीरियल है। सो हर इंस्ट्रक्टर ट्रीट हर एज एन एवरेस्ट मटीरियल बिकॉज दे रियलाइज दैट शी वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट। उनको रियलाइज हुआ कि बेचंद्री पाल है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। ओके, सो आर इंस्ट्रक्टर ट्रीट हर एज एवरेस्ट मटीरियल बिकॉज दे रियलाइज दैट शी वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। ओके, देन नंबर फाइव, वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ एन आई एम। एन आई एम का फुल फॉर्म क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ एन आई एम, और ओके उसके साथ ही एन एफ का भी फुल फॉर्म लिखना है। सो वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ एन आई एम एंड एन एफ। सो द फुल फॉर्म ऑफ एन आई एम, एन आई एम का फुल फॉर्म क्या है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। क्या है? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। देन एन एफ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन। क्या है? नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन। और एक बार रीड कर देती हूँ, एन ए आई एम का फुल फॉर्म नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, एन एफ का फुल फॉर्म नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन। ओके, सी उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी नंबर फोर दिया है, पेज नंबर 35 में। आप टेक्स्ट बुक में देखो, पेज नंबर 35 में एक्टिविटी नंबर फोर दिया है, उसमें क्या लिखा है? नॉट एनी थ्री क्वालिटीज ऑफ बेचंद्री पाल, एक्सचेंज योर पॉइंट्स विथ योर फ्रेंड्स। देखो ये एक्सचेंज योर पॉइंट विथ योर फ्रेंड जो है ना, वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज आप अभी स्कूल में नहीं हो। अगर आप स्कूल में होते, मेरे सामने होते, तो मैं आपको लिखा कर फिर बोलती कि चलो आप आपके फ्रेंड्स के सब एक्सचेंज करो, ठीक है? पर अभी ये पॉसिबल नहीं है, कोई बात नहीं। एंड फॉर्म अ पैराग्राफ एंड राइट, इसमें पैराग्राफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमने पहले फ्यू वर्ड्स में लिख लिया ना बेचंद्री पाल के बारे में, सो वहाँ ही हो गया। तो एक्टिविटी नंबर फोर आप करो तो भी इट्स ओके, अगर ना करो तो भी चलेगा बिकॉज हमने ऑलरेडी बेचंद्री के पाल के बारे में कुछ लिख लिया है। ओके, ओके, नाउ आप टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 36 देखिए, एक्टिविटी नंबर 5, फिलिंग द मिसिंग लेटर टू क्रिएट अ वर्ड फ्रॉम आर्टिकल गिवन बिलो, देन राइट द फुल वर्ड्स ऑन द लाइन। ओके, आपको कुछ मिसिंग लेटर दिए गए हैं, वो मिसिंग लेटर्स आपको लिखने हैं और फिर लिख कर आपको उसके जो पूरा वर्ड होता है वो सामने के जो डैश दिया है उसमें लिखना है। ओके, सो नंबर वन क्लू दिया है आपको, टॉप ऑफ माउंटेन, माउंटेन का जो टॉप होता है, पिक होता है, टॉप सबसे ऊपर का पॉइंट, उसे हम क्या कहते हैं? सुमित, एस यू डबल एम आई टी सुमित। चलो यहाँ लिखो एस यू डबल एम आई टी सुमित। ओके, देन नंबर टू, फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, जो यूनाइटेड किंगडम्स होते हैं मतलब बाहर के देश होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं?
ब्रिटिश BRITIS ब्रिटिश। ओके उसे ब्रिटिश कहते हैं BRITISH ब्रिटिश। देन नंबर 4 जर्नी ऑन फुट, क्लू रीड करियो, जर्नी ऑन फुट, आप जब चल चल कर जर्नी करते हो ना चल के, उसे क्या कहते हैं ट्रैक, TREK, TREK। ओके तो यहाँ भी लिख लो। देन नंबर 4 रिप्लाई और आंसर, किसी को रिप्लाई देने या आंसर देना उसे क्या कहते हैं रिस्पॉन्स, RESPONSE रिस्पॉन्स, मतलब किसी को आंसर या रिप्लाई देना। देन नंबर 5 क्लू दिया, पास समथिंग अलोंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक दूसरे के पास से एक इंसान के पास से दूसरे इंसान के पास पास होना उसे क्या कहते हैं रिलेड, क्या कहते हैं रिलेड। आपने रिले रेस सुनी होगी, पता है रिले रेस वो क्या होता है, आप ऐसे आपको रेस लगाना होता है सर्क्यूलर में, या तो लॉन्ग ही रेस होता है, फिर एट अ पॉइंट एक पर्सन खड़ा होता है और फिर आपको वहाँ खड़े रहना होता है जहाँ पर्सन खड़ा है, और फिर उस पर्सन को आपको बोलना होता है तुम दौड़ो। ओके उसे हम रिले रेस कहते हैं, राइट। तो ये रिलेट मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास पास करना। ओके याद रहेगा ना ये चीज़। चलो एक बार मैं रीड कर देती हूँ। SUMMIT सुमित, BRITISH ब्रिटिश, TREK ट्रिक, RESPONSE रिस्पॉन्स, RELAYD रिलेट। ओके सो आप आज होमवर्क में क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल नोटबुक में आपको हार्ड वर्ड्स लिखने हैं, फ्यू पॉइंट्स अबाउट लिखने हैं और क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। ओके एंड उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी नंबर 5 कंप्लीट करना है। ओके और रीडिंग पोर्शन में आप क्या रीड करोगे, हार्ड वर्ड्स मुझे रीड करके आपको वीडियो बना के भेजना है। डन, समझ में आ गया? अगर ना समझ में आया हो देन मुझे आप वॉइस मैसेज थ्रू या को कॉल करके पूछ सकते हो। ओके सो बाय एंड हैव अ गुड डे।